हेलो वेलकम टू तो आज मैं जिस टॉपिक रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज अस्पायर ऑन यू लेट्स सी देखते हैं आपके आपके सोशल मीडिया अकाउंट या आपके ऊपर कौन नजर रख रहा है ठीक है वीडियो कॉलेट करते करें इससे मुझे सपोर्ट मिलती है मेरी सारी रीडिंग टेम्स होती है जब भी आपके सामने आपसे सब कर सकती है मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें हु इज अस्पायर ऑन यू लेट्स सी कोई ऑन यू कौन मेरे व्यूवर पे इस टाइम फ्रेम पे नजर रख रहा है कौन आपके सोशल मीडिया अकाउंट को स्पाई कर रहा है दी हर्मिट कोई आपके साथ न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहा है कोई आपको लेकर बहुत डीप डाउन थिंकिंग में ठीक है थीके? लेकिन आ, मतलब कि सोच रहा है एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आ रहा एक न्यू बिगनिंग एक न्यू स्टार्ट कोई आपको बहुत ज़्यादा हर्मिट एनर्जी है बहुत ज़्यादा साइलेंट पर्सन है जो भी पर्सन है खामोश पर्सन है ठीक है अपने एक्शंस बिना सोचे समझे नहीं लेता ये पर्सन ठीक है बहुत सोच समझ कर आगे चलता है मतलब कि आगे रास्ता कितना क्लियर है क्या नज़र आ रहा है किस तरीके से ये चल सकता है क्या सोच सकता है क्या मैनिफेस्ट कर सकता है ये सब कुछ इस पर्सन को जरूरी लगता है ठीक है देखना तो ये पर्सन जो भी है ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है ओवर थिंकिंग कर भी रहा हो सकता है लेकिन ये पर्सन आपको खुश देख रहा है आपको इंस्पायर कर रहा है आपको खुश देख रहा है ठीक है है, आपकी लाइफ में हैप्पी हैं आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ तो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है आप हैं या नहीं हैं हैप्पी, ठीक है आपकी लाइफ में आ, मतलब कि जिस भी आ, एक फेयर से गुजर रहे हैं कोई नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं लेकिन इस पर्सन को महसूस हो रहा है आपको आपका सोशल मीडिया स्पायर करते हुए या आपको कहीं दूर से देखते हुए कि आप खुश हैं ठीक है ये वो पर्सन है जिसके साथ कोई एंडिंग आई है एंडिंग तो ज़रूर आई है ठीक है कोई सेपरेशन हुआ है एंडिंग आई है ब्रेकअप हुआ है टेन ऑफ सूट्स टैन ऑफ सूट्स मतलब ये पर्सन आपको इंस्पायर कर रहा है और देख रहा है कि आप इस एंडिंग के बावजूद खुश हैं आई डोंट नो ये है या नहीं है मतलब किस पर्सन की नज़र जिस तरीके से आपको देख रहे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इससे ज़्यादा अच्छा अपनी लाइफ में मतलब कि आप इससे ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से फेस कर रहे हैं आपने आप बहुत ज़्यादा एक स्टैमिने वाले इंसान हैं मतलब कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को फेस किया आप आप हैप्पी हैं आप खुश हैं आपकी लाइफ में कुछ इतना बड़ा प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा लेकिन इस पर्सन के साथ कुछ एंडिंग हुई है कुछ ख़त्म हुआ है डिवॉर्स हुआ है ब्रेकअप हुआ है ख़त्म हो गया कुछ ठीक है कुछ एंडिंग हो चुकी है आप लोगों के बीच कुछ एंड आया है कुछ कुछ पेनफुल ख़त्म हो चुका है आप इस एंडिंग से आगे बढ़ रहे हैं ठीक है आप इस सेंडिंग से आगे बढ़ रहे हैं पर्सन आपको देख रहा है कि आप इस सिचुएशन में जो भी पेन आया जो भी तकलीफ आई जिस तरीके की भी एंडिंग हुई आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं आपकी लाइफ में आप पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ हैं आप अपनी लाइफ पे वर्क कर रहे हैं आपकी लाइफ में आप और रास्ते बना रहे हैं अपनी जिंदगी का फोकस आपने बदल रही है आप एक पॉजिटिविटी एक पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड मतलब कि गो विद द फ्लो की एनर्जी में है आप पास को लेकर रो नहीं रहे या पास्ट को लेकर आपके अंदर ज़्यादा बहुत ज़्यादा पेन नहीं दिख रहा है इस पर्सन को ये जो भी है ये पर्सन बहुत स्पायर कर रहा है स्ट्रॉन्गली ये पर्सन इस पर्सन की नज़र आपके हर मूव पे है हर हर मोमेंट पे है हर जो भी आप अपनी लाइफ में एक्टिविटीज कर रहे हैं वो इस पे इस पर्सन की नज़र है आपको ज़रूर स्टॉक कर रहा है कहीं ना कहीं से आपको जरूर देख रहा है इस्पायर कर रहा है मतलब कि इसकी नज़र है आपके ऊपर जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में आप ठीक है एक पोस्ट भी आप अपलोड कर रहे हैं आप कुछ भी कर रहे हैं ये पर्सन आपको दूर से देख रहा है ठीक है इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पेन में है और आप आपको कोई पेन नहीं है इस एंडिंग का आपको कोई तकलीफ़ नहीं है ठीक है जो आप दोनों के बीच एंडिंग हुई जो आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस आ चुका है उससे आपको कोई परवाह नहीं है लाइफ वो ही आपकी लाइफ में वही आपकी लाइफ रूटीन है आप उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को लेकर चल रहे हैं आप एक पॉजिटिव मूवमेंट डायरेक्शन की तरफ हैं आप इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मतलब कि शायद मैंने गलत कर दिया मतलब कि मैं यहाँ पर गिल्ट में हूँ और आप अपनी लाइफ को अच्छे से इन्जॉय कर रहे हैं ठीक है अच्छे से आप बिज़ी हैं बताओ तो कॉन्फ्लिक्टेड हो रहा है आपको इस ऐसा मतलब कि आपको अपना अपनी लाइफ में इतना बिजी देख कर के मतलब कि क्या आप जो इस पर्सन को कह रहे थे क्या वो गलत कह रहे थे आप जो इन्वेस्ट कर रहे थे क्या वो गलत कर रहे थे इस पर्सन को बैकस्टैपिंग फील हो रही है आपके इस बिहेवियर से आपका आपको एक हैप्पी मोमेंट पे देख आपको खुश देख इस पर्सन को ऐसा लग रहा है एक मुझे बैक इस पर्सन को बैकस्टैप किया गया है आपकी तरफ से ठीक है पेन फील कर रहा है चाहे कुछ भी हो इस पर्सन की वजह से सब चीज़ें एंड हो हुई लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि मुझे बैकस्टेप ठीक है आपने, uh, है इसके अंदर डिप्रेशन uh, है अकेलापन है और एनजाइटी से गुजर रहा है ये पर्सन रात रात भर जाग रहा है ठीक है मतलब कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप खुश हैं बस ये ये पेन इसका और बढ़ा रही सब चीजें क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है आप खुश हैं ठीक है थेके? ये इसको तकलीफ और ज़्यादा दे रही क्योंकि इस पर्सन को आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको कोई इस एंडिंग का एहसास नहीं है जो आप लोग के बीच था वो कितना मज़बूत था आप ये पर्सन तो मतलब कि चाहे ये प्रॉपरली शायद इसने इसने कुछ किया हो लेकिन अपनी गलती एडमिट करने की बजाय इसको लग रहा है कि अगर मैं कम्युनिकेट कर रहा था या मैं अगर इन्वेस्ट कर रहा था इट मीनस मैं यहाँ पर इन्वेस्टेड था तो ये आप ये पर्सन इस वक्त आपको सेल्फिश देख रहा है ठीक है एक आपको इस को अगर आप नहीं दूर से आपको इंतजार कर रहा है कि आप शायद एक कदम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है बहुत ज्यादा एनजाइटी में बहुत ज्यादा डिप्रेशन बहुत ज्यादा लेट नाइट जाग रहा है वेटिंग hmm, एनर्जी है इंतजार कर रहा है ये आपका। कर्मा। कुछ ना तो कुछ कर्मा कनेक्टेड है यहाँ पर कार्मिक सिचुएशन इन्वॉल्व है ठीक है बहुत सा कुछ ना कुछ कार्मिक इन्वॉल्व इस रिलेशनशिप में कुछ कार्मिक रिलेटेड चीजें हैं लेकिन ये पर्सन पेन फील कर रहा है ये आपके साथ न्यू न्यू स्टार्ट स्टार्ट ये पर्सन आपके साथ एक हैप्पी मोमेंट इन्जॉय करता था चाहे ये पर्सन आपको क्लियर कट क्लियर कट टू ऑफर कुछ दे या ना दे लेकिन ये आपके साथ एक एंजॉय करता था आपकी कंपनी आपकी कंपनी को इंजॉय करता था कि आप इसकी लाइफ में होने से एक हैप्पीनेस थी चाहे ये प्रॉपरली आपको एक्सप्रेस करे ना करे वो खुशी लेकिन ये खुश रहता था आपका और आपकी वाइब्रेशन इसको एक एनर्जी बूस्ट देती थी आपके आप एक एक्साइटमेंट देती थी एक थ्रिल एक देती थी एक पैशनेटिफ एनर्जी देती थी इसको बहुत कुछ करने का वो एक जैसे एक बूस्ट मिलता था इसको आपके होने से लाइफ में इस को ऐसा लग रहा तो मेरी बिल्कुल एक बैटरी डाउन हो चुकी मतलब कि मैं चाहे पर्सन एक्सेप्ट करता था या नहीं करता था सामने से आपका लव चाहे उसको कम्प्लीटली इसने कभी एक्सेप्ट किया नहीं किया लेकिन आप इसके लिए एक, एक एनर्जी बूस्ट का, का काम कर रहे थे ठीक है इस पर्सन को आपके होने से बहुत सपोर्ट थी एनर्जेटिकली ये पर्सन बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहा है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ये रहा है इसकी वाइब्रेशन हाई रही है आपसे ये आपको आपकी जब आप इस पर्सन की लाइफ में लेकिन कुछ ये पर्सन कुछ किसी कार्मिक सिचुएशन को डील कर रहा है कुछ कर्मा कुछ डार्क साइड फेस कर रहा है शायद इसने भी है मतलब कि

एक इसको याद आ रही है वो चीज़ एक विजडम इसको जैसे समझ में आ रहा है मैंने ये किया था तो मुझे पलट कर मिल रहा है मैंने ऐसा कहीं और किया था ठीक है मैंने किसी और के साथ किया था या आपके साथ किया था लेकिन इस पर्सन को इस बात का जैसे इस बात की एक विजडम इसको मिला मिल रहा है किसने ये गलती कहीं और की थी यही बिहेवियर इसने किसी और को दिया है जिसको रिटर्न बैक हो रहा है ठीक है इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप खुश हैं अपनी लाइफ में आप आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ रहे हैं आगे आप खुश हैं अपनी जिंदगी में ये अपने आप को काफी कंफ्यूज देख रहा है ठीक है ये कंफ्यूज देख रहा है ये आपको एडमायर कर रहा है दूर से बैठकर, कर ये आपको अपनी लाइफ में चाहता है ठीक है ये बहुत अपने ये अपने लिए आपको ब्लॉक देख रहा है अपने लिए आपको बहुत मतलब कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक किया तो आप आप देख नहीं पा रहे जो इसके हाल है या तो जो ये जिस जिस कंडीशन से गुजर रहा है इस पर्सन को ऐसा लग रहा है या तो आप वो देख नहीं पा रहे ठीक है आपको ये ब्लॉग देख रहा है लेकिन ये आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव है ठीक है ये अपनी लाइफ में एक मिसिंग एनर्जी से डील कर रहा है इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ये किस जगह से गुजर रहा है ये क्या फील कर रहा है आप अपनी लाइफ में मगन है मतलब कि आपकी साइड यहाँ पर लग रही है कि आप बिज़ी हैं अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आप मतलब कि आपका फोकस कहीं और जा चुका है ठीक है फाइनेंसेस हो कोई और सिचुएशन हो घर हो फैमिली हो रिलेशनशिप हो कोई और लेकिन आपका फोकस नहीं है आप बहुत मतलब कि आपका फोकस बदल चुका है सडनली फोकस चेंज हुआ है आपका hmm. इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप कुछ ऐसा हाइट कर रहे हैं ठीक है ठेके? कुछ यहाँ पर है जो हिडन है आप कुछ हाइट कर रहे हैं यहाँ पर कुछ है जो हिडन है और कुछ छुपा रहे हैं आप इस टाइम फ्रेम पे इस पर्सन से ठीक है यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और हो ठीक है जिसके साथ आप इतना बिज़ी कैसे हो गए आपको क्या बिल्कुल इस चीज़ का इस चीज़ से आप अब कैसे इतना जल्दी डिस्कनेक्ट हो सकते हैं तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कुछ हाइड कर रहे हैं आपकी लाइफ में कुछ और चल रहा है जिस पर्सन को नहीं पता इस पर्सन को मतलब एक, एक इस पर्सन को ये कि कुछ कुछ छुपा हुआ है इससे इस पर्सन को ऐसी फीलिंग्स आ रही है ऐसी इसको एक वाइब्रेशन महसूस हो रही है इंट्यूशन महसूस हो रही है ये इसका सिक्स सेंस बोल रहा है यहाँ पर आप कहीं और इन्वॉल्व हो चुके हैं आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है थ्री ऑफ फैंस एंड आपके पार्टनर की लाइफ में लोग हैं ठीक है थेके? जिस जो ये पर्सन आपको स्पाई कर रहा है इस पर्सन की लाइफ में लोग हैं लेकिन ये किसी और के लिए डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है और इमोशंस रखता है इसके लिए भी लोग रखते हैं ठीक है थेके? ऐसी बात नहीं इसकी लाइफ में लोग कम हैं जो इसके लिए इमोशंस नहीं रखते लेकिन ये बहुत एक

आप जानते थे इसकी लाइफ में कितनी चीज़ें चल रही हैं मतलब कि आपने इसको तनहा छोड़ दिया आपने यहाँ आप पर कुछ ऐसा किया है जो आपको करना नहीं चाहिए था मतलब कि आपको इतनी जल्दी या तो अगर आपको जाना था तो आप टाइम देते इतनी जल्दी आपको बैकस्टेप नहीं करना चाहिए था या तो आपको इतनी जल्दी आपको डिसीजन मेकिंग नहीं करनी चाहिए थी आप टाइम देते आप समझने का समझने का वक्त देते ठीक है इस टाइम ये पर्सन ये सब कुछ लेकर सोच रहा है कहीं ना कहीं आप भी मुझे ऐसा लग रहा है आप भी आज भी इमोशंस रखते हैं और आपका भी एक वेट है इंतज़ार है अगर क्या पता सामने से ऑफ़र आ जाए मतलब कि आप भी कुछ यहाँ पर इसी तरीके की उसमें है ठीक है लेकिन इस पर्सन की लाइफ में मुझे कोई और भी दिख रहा है जो एक इमोशनली इसके साथ कनेक्ट होना चाहता है और ये इंटरेस्ट नहीं ले रहा उस इंसान में इंटरेस्ट नहीं ले रहा ठीक है यहाँ पर स्टेबिलिटी uh, यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर कुछ हुआ है मैरिज कमिटमेंट को लेकर स्टेबल स्टेबल सिचुएशन को लेकर स्टेबल ऑफर को लेकर यहाँ पर कुछ हुआ है ये मेंटली स्ट्रेस में है बेहद स्ट्रेस में है ठीक है इमोशनली यहाँ पर स्टेबिलिटी यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करनी है आपके पर्सन ने कि किसके साथ आगे बढ़ना है कैसे आगे बढ़ना है मैरिज कैसे करनी है फैमिली कैसे बढ़ानी है आगे मतलब कि कुछ इस टाइप की सिचुएशन है विश फुलफिलमेंट इस पर्सन की मैरिज कमिटमेंट की विश फुलफिलमेंट मतलब कि ये मैरिज और कमिटमेंट की तरफ आना चाह रहा है सीरियस होना चाह रहा है आप यहाँ पर कमिटमेंट डिमांड कर रहे हो सकते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी अगर ये पर्सन आपको कुछ सॉलिड देता तो शायद आप यहाँ पर कनेक्ट करते क्योंकि इसको लेफ्ट इन द कोल्ड फील हो रहा है इसके बाद ये सोच रहा है कमिटमेंट का मैसेज का एक कॉल का विश फुलफिलमेंट का मतलब कि यहाँ पर कुछ कमिटमेंट से रिलेटेड आप लोग तो के बीच एक मतलब कि ये जो डिसकनेक्ट हुआ ये जो एंडिंग आई किसी स्टेबिलिटी को लेकर थी जो सेपरेशन था किसी स्टेबिलिटी पे ये था ये मतलब कि कुछ स्टेबल और सॉलिड नहीं था रिश्ते में यहाँ पर कमिटमेंट नहीं थी या तो यहाँ पर जैसे जिस तरीके से आपको ट्रीट करना चाहिए वो ट्रीटमेंट नहीं था कुछ ना कुछ मिसिंग था रिस्पेक्ट को लेकर कमिटमेंट को लेकर सोसाइटी को लेकर कुछ ना कुछ यहाँ पर मिड uh, में था जो आप लोगों के बीच शॉर्ट आउट नहीं होकर दे रहा था ठीक है आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनको उनको वक्त देना चाहिए था ठीक है ये पर्सन सोच रहा है कि आप आपको उनको वक्त देना चाहिए था ये पर्सन आपकी तरफ शायद एक्शन ले ले, एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है ये चाह रहा है कि जस्टिस हो चीज़ें बैलेंस हो ये आपकी तरफ शायद एक्शन ले सकता है मैनिफेस्ट कर रहा है स्ट्रांगली आपको अपनी लाइफ में ये मैरिज और कमिटमेंट के, तो के बारे में सोच रहा है लेकिन उसको ऐसा लग रहा है आपका तो अब इंटरेस्ट ही नहीं है ये ये एक बैलेंस स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है लेकिन उसको ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप बिल्कुल गो विद द फ्लो अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं अपनी लाइफ में आपने बिल्कुल फोकस चेंज कर लिया आपका फोकस दूसरी चीज़ों पर लेकिन ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है ये कमिटमेंट मैरिज को लेकर सीरियस सोच रहा है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है ये किस तरीके से एक्ट करिए किस तरीके से सिचुएशन में इन्वॉल्व हो आपका ध्यान ही नहीं लग रहा मतलब कि आपको देख रहा है कि आप बिल्कुल भी यहां पर आप डिस्कनेक्ट हुए हैं, आप यहां पर अवेलेबल ही नहीं है आप मुकम्मल तौर पर इस पिक्चर से गायब हो चुके हैं ठीक है थीके? ये पर्सन इस वक्त ये फील कर पा रहा है कि आपने बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर कट कट कर दिया इस पर्सन को आप बहुत कोल्ड यहाँ पर आपकी कोल्ड वाइब है आपकी बहुत कनेक्टेड वाइब नहीं है आप कोल्ड वाइब से शो कर रहे हैं आपको डिसीजन मेकिंग चाहिए या क्लैरिटी चाहिए तो चाहिए अदरवाइज आप कुछ एक्ट नहीं करना चाह रहे कुछ कुछ भी नहीं करना चाह रहे कोल्ड डिटैच एनर्जी पर ऐसा हो सकता है आपने पास में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है और आपको वो वो रिटर्न में वापस नहीं मिला जैसे मतलब कि कोल्ड इंसान किसी रिलेशनशिप में जब होता है जब बहुत टाइम तक वो कुछ डिमांड कर रहा हो और उसको वो चीज़ ना मिले ठीक है कोल्ड एनर्जी है यहाँ पर अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ठीक है या तो ये क्लैरिटी दे ठीक है आप आप लाइफ में एक फुलफिल लव चाहते हैं ठीक है अनकंडीशनल लव चाहते हैं जहाँ पर आपको पता हो कि हाँ यहाँ पर कमिटमेंट है यहाँ पे मैरिज है यहाँ पर सामने वाला रिस्पेक्ट कर रहा है सामने वाला आपको वो इज्जत दे रहा है वो सब कुछ दे रहा है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं ठीक है बहुत मतलब कि ही पर्सन खुद को आपने कंट्रोल कर लिया है खुद को आपने होल्ड कर लिया है इस रिलेशनशिप से आपने खुद को पीछे करके मतलब के पीछे करके रख लिया है आप इस रिलेशनशिप के लिए आप रिलेशनशिप को शायद ऐसा हो सकता है बैकग्राउंड से देख जरूर रहे हैं इस पर्सन को जरूर बैकग्राउंड से देख रहे हैं लेकिन खुद का पैशन खुद का लव खुद की केयर आपने स्ट्रांगली मतलब कि अपने आप को अपने रोक लिया है ठीक है अपने आप को बहुत मुश्किल से रोका होगा या तो आपने बहुत एक स्ट्रेंथ लगी अपने आप को रोकने में आपने अपने फ्यूचर के लिए इस रिलेशनशिप से जैसे एक अपने आप अप को पीछे कर लिया क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था आपको कुछ मिल नहीं सकता फ्यूचर नहीं है यहाँ पर यहाँ पर वो नहीं है जो आप चाहते हैं ये वो कमिटमेंट नहीं है या वो रिस्पेक्ट नहीं है या वो इमोशंस नहीं है या वो मतलब के उस तरीके का आपको सामने से वो बिहेवियर नहीं दिखता जो आपका जो आपका होता है ठीक है जो आप यहाँ पर कर रहे होते हैं आप स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं ठीक है थेके? आप मैरिज और कमिटमेंट यहाँ पर आप लोग के बीच कुछ कमिटमेंट मैरिज और स्टेबिलिटी को लेकर कुछ है ठीक है सोसाइटी को लेकर कुछ है बिल्कुल आप एक स्टेबल पर्सन है आपको स्टेबिलिटी चाहिए ठीक है कमिटमेंट स्टेबिलिटी मैरिज आप इस चीज को लेकर फोकस हैं आप एक ग्राउंडेड पर्सन है ठीक है बैलेंस लाइफ अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं आपका फोकस अपनी जात पर है अपनी लाइफ पर है यहाँ पर मुझे आपकी लाइफ में आपकी सोचों में दो किंग नजर आ रहे हैं टू किंग्स हैं आपकी लाइफ में ठीक है या तो आप किसी और को डील कर रहे हैं इस पर्सन का जो थॉट है आपको लेकर इस पर्सन का जो माइंड चल रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट राइट right चल रहा है आपकी लाइफ में एक से ज्यादा दो किंग हैं आप कंफ्यूज हैं आपकी जिंदगी में ऑप्शन क्रिएट हुए हैं इस टाइम फ्रेम पे ठीक है आपको क्या करना है किसके साथ आगे बढ़ना है आप नहीं जानते कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है आप अगर बहुत ज्यादा डीप डाउन सोचने में जाते हैं तो आप किसकी तरफ क्या करें आप ट्वेंटी ब्लॉकेज खुद को पाते हैं बहुत ज्यादा स्टक पाते हैं ठीक है या फिर मुझे आपकी लाइफ में टू किंग्स नजर आ रहे हैं आपको कुछ डिसीजन मेकिंग करनी पड़ सकती है मतलब ऑप्शन ओपन है आप आपने पास में किसी से कुछ मांगा किसी से एक्सपेक्ट किया कि मैरिज और कमिटमेंट हो उस पर्सन के साथ लेकिन अभी यहाँ मुझे कुछ ब्लॉकेजेस नज़र आ रही हैं आपकी लाइफ में ठीक है आप ब्लॉकेजेस कन्फ्यूजन को फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में इस टाइम फ्रेम पर आपको नहीं पता आपको अब आप बस मतलब के आप चाह रहे हैं आपको स्टेबल रिलेशनशिप चले मिले आप चाह रहे हैं आपको स्टेबल रिलेशनशिप मैरिज और कमिटमेंट मिले ठीक है आप ऐसे रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे जहाँ आपको इनसिक्योरिटी मिले जहाँ आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़े जहाँ आपको पता ही ना हो कि इसमें कमिटमेंट मिलनी है नहीं मिलनी यहाँ पर लाइफ है यहाँ पर फैमिली है या नहीं है यहाँ पर मैरिज है या नहीं है। क्या एडवाइस है आपके लिए सिचुएशन में होके okay. रिजेक्शन आपको लगता है मतलब के रिजेक्शन आपने कभी रिश्ते में फेस करी है आइसोलेशन ठीक है आप इसकी वजह से आइसोलेशन की तरफ भी गए कुछ रिजेक्शन या तो या आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है अगर वो आपकी तरफ आए तो आप रिजेक्ट कर देंगे आप समझेंगे नहीं या तो आपने कुछ रिजेक्ट किया है ठीक है कुछ रिजेक्शन से रिलेटेड है या पे कमिटमेंट स्टेबिलिटी आपके पर्सन अपने कर्मा फेस कर रहे हैं इस वक्त आपके पार्टनर ने पास में आपके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ किया है आपके साथ नहीं किया तो किसी और के साथ किया है कुछ कार्मिक सिचुएशन को फेस कर रहे हैं आप अपने आपके पर्सन वही फ़ेस कर रहे हैं जो आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में दिया है आपको ठीक है कुछ कर्मा बैलेंसिंग कर्मा फेस कर रहे हैं फसाट काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं रिजेक्टेड फील कर रहे हैं आपके पर्सन इस टाइम फ्रेम पे या आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत रिजेक्टेड और कन्फ्यूज फील कर रहे हैं बहुत अकेले पन से गुजर रहे हैं इस टाइम फ्रेम पर आइसोलेशन की एनर्जी है अकेला कर लिया आपके पर्सन ने खुद को मैंने कहा ना कुछ कार्मिक कुछ कर्मा बैलेंस हो रहा है ये आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है परफेक्शन ठीक है शायद एक परफेक्शनिस्ट था इसने परफेक्शन की वजह से बहुत से लोगों को रिजेक्ट किया सिर्फ आपको नहीं और भी लोगों को इसी आइसोलेशन में इसने लोगों को छोड़ा हो अपने बिहेवियर की वजह से बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अकेलापन लोगों ने फील किया हो ट्रिकी बहुत ज्यादा ट्रिकी रहा है मैनोकलेटिव रहा है ये पर्सन और इमपास मतलब कि इम्पारशलिटी बैलेंस ना करना जैसे मिसबिहीवियर करना रिलीज कुछ रिलीज़ करना चाह रहा है बहुत ज़्यादा दुख है बहुत ज़्यादा एनजाइटी है बहुत ज़्यादा जैसे पेन है इसके अंदर डिप्रेशन से गुजर रहा है किसी एन्जाइटी से गिल्ट आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा गिल्टी हैं किसी बिहेवियर को लेकर गिल्ट है आपके पर्सन के अंदर मतलब ट्रिक्स आपके पर्सन ट्रिक्स खेलते रहे हैं ठीक है ये सर्विस पे हो सकता है ये पर्सन बीमार हो सकता है कोई सर्विस एनर्जी भी या तो उसके घर में कोई हो सकता है सर्विस पे या तो ये खुद बीमार हो सकता है काफ़ी ग्रीफ की एनर्जी है इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में मतलब कि अपनी ज़िंदगी में आप खुश हैं इस पर्सन को वर्काहलिक काफ़ी वर्काहलिक है ये पर्सन हार्ड वर्किंग करता है खुद को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है देखें बैलेंस का कार्ड आ गया लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा हर्ट है पेन है एक्सेप्टेंस ये एक्सेप्ट कर रहा है जो कुछ भी हुआ क्योंकि इसने भी बहुत कुछ यहाँ पर किया है डिसअपॉइंटमेंट बहुत डिसअपॉइंट है बहुत ज़्यादा मतलब कि ये पर्सन ऐसा हो सकता है बहुत ज्यादा मतलब कि अल्कोहलिक पर्सन या तो बहुत ज़्यादा पार्टी करने वाला बहुत ज्यादा अपनी इस लाइफ को इंजॉय करने वाला बहुत ज्यादा प्राउडिश पर्सन बहुत ज्यादा प्राउड इसके अंदर बहुत ज़्यादा इगोस्टिक पर्सन मतलब कि पार्टी एक लोगों के साथ मेल है तो बहुत सी फीमेल्स हो सकती है इसकी लाइफ में और अगर कोई फीमेल तो बहुत से मेल्स हो सकते हैं फ्रेंड्स और ये मतलब कि एक मुकम्मल तौर पर एक ऐसा पर्सन जो टॉक्सिक इंसान होता है जो टॉक्सिसिटी कंप्लीटली करता है और अपने आप को मतलब के एक सेफ uh, जोन में महसूस मतलब कि चाहता है कि इस पर्सन को लोग अच्छा समझें इतनी नेगेटिव बिहेवियर एक नेगेटिव हरकतें करने के बावजूद ठीक है ये पर्सन आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है लेकिन बहुत डिसअपॉइंट है बहुत अकेलेपन से गुजर रहा है बहुत कुछ लर्निंग एक लेसन लर्निंग एक कड़मा फेस कर रहा है कोई कार्मिक सिचुएशन इस पर्सन को लग रहा है ये कड़मा फेस कर रहा है अपना इसने इसने ये सब कुछ किया है जो उसको वापस मिल रहा है इसको रिजेक्शन फेस हो रही है और अकेलेपन से गुजर रहा है आइसोलेटेड है ये पर्सन ठीक है आपके बिहेवियर से एनर्जेटिकली रिजेक्टेड फील कर रहा है क्योंकि इस पर्सन को नहीं लग रहा कि आपका ध्यान बिल्कुल भी इधर है आप अपनी लाइफ में बिल्कुल बिजी हैं इस पर्सन को नहीं लग रहा आपकी फीलिंग्स पास्ट की तरह हैं या आपकी इमोशन पास्ट की तरह हैं इसकी तरफ आप इसके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं शायद एक टाइम पे आप काफी ज्यादा वेट कर रहे थे पर्सन आपको कमिटमेंट दे मैरिज दे लेकिन अब आप इस पर्सन को नहीं लग रहा कि मतलब कि कुछ अपना ही क्या फेस कर रहा है इस वक्त शायद इसने आपके साथ किया बहुत ज्यादा एक बैड फील कराया आपको रिजेक्टेड फील कराया इतने किसी और के साथ ही सब कुछ किया लेकिन ये एक कार्मिक सिचुएशन एक कार्मिक ये एक कार्मिक लेसन लर्न कर रहा है इस को रखूंगी रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें एनर्जी के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलना और इंस्टाग्राम को फॉलो करें थैंक यू